नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर। और दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के तहत एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टे का कभी कभी जो एडिशन निकालना होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में लगभग लगभग टच कर देता है। तो आज उस क्वेश्चन का बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स, एकदम प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और फिर बाद में हम ट्रिक्स। अब देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं क्वेश्चंस, क्या कह रहा है। सबसे पहले इस चीज को हम समझते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 11 तथा 18 है। इसका मतलब है कि योगफल 11 है और गुणनफल 18 है। तो कहता है संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल कितना है। अगर हम कहें कि आंसर कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे डी नंबर, डायरेक्ट आंसर मार देंगे डी नंबर। वो कैसे हुआ हम आपको बताएंगे, और यही टेक्निक आपको आंसर देना है। लेकिन उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, बेसिक सिखाते हैं। क्योंकि बेसिक जो होता है कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट हम लोग का पावर होता है, इसलिए कंसेप्ट सीखना है, बाद में ट्रिक सीखना है। तो अब सबसे पहले समझिए दो संख्या। तो पहला संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, पहला ए ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं बी। पहले बेसिक देखिए, ये मेरा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेसिक। क्योंकि बेसिक जो मेरे रसगुल्ले होता, होता है जो पावर होता है, और पावर को कभी भी आपको नहीं खोना चाहिए, है ना। उसके बाद ट्रिक्स जो सिखाएंगे ना, वो तो गर्दार सिखाएंगे। तो अब दो संख्या ए बी हो गया। तो अब मेरा प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी का योगफल, तो दोनों का योगफल 11 दे रखा है, और कहता है गुणनफल यानी ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, गुणनफल 18 दे रखा है, और कहता है इसके व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम समझते हैं, अगर हमको पूछे कि अगर a बटे b का व्युत्क्रम क्या होगा, a बटे b का व्युत्क्रम क्या होगा, a बटे b का जो व्युत्क्रम होगा तो वो b बटे a होगा। a बटे b का व्युत्क्रम क्या होगा, b बटे a होगा। अब इसके व्युत्क्रम, अब समझिए कि नीचे में नहीं कुछ है तो एक है, और इसका व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। देखिए a का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a, और b का कितना होगा, 1/b, यानी 1/a प्लस 1/b पूछ रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा, ab हो जाएगा, और a से भागा दोगे तो b हो जाएगा, और b से भागा दोगे तो a हो जाएगा। इसका मतलब है कि b प्लस 1/ab योगफल, ऊपर लिखना योगफल a प्लस b का मान कितना है 11, और ab का मान कितना 18 है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11/18, प्यारा सा आंसर हो जाएगा d नंबर। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट को अगर हम बेसिक नाम बनाकर के अगर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे तो मेरा आंसर क्या होगा। तो आइए उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स जब भी पूछेगा व्युत्क्रम का योग, यानी व्युत्क्रम का योगफल पूछेगा, ये जब पूछेगा इसके लिए हम ट्रिक सीधा लिखेंगे, योगफल बटे, है ना, दोनों का योग, दोनों का एड, एड बटे मल्टीपल, दोनों का एड बटे क्या करेंगे मल्टीपल। बस यही तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एडिशन को ऊपर लिखना है और मल्टीपल को नीचे लिखना है। तो भाई एडिशन कितना है 11, एडिशन कितना है 11, और बटे मल्टीपल कितना है 18 है। तो ये प्यारा से मेरा आंसर हो जाएगा 11/18, और राइट आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो क्वेश्चंस को हम लोग इस ट्रिक्स पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आइए हम इसको समझाते हैं। बिल्कुल आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दो, ठीक है, गर्दा उड़ा रहा है। लेकिन सबसे पहले हाँ ये देखो क्वेश्चन देखिए, और हम चाहते हैं कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, और इसका आंसर कमेंट करके दीजिए कि क्या सही है कि गलत है। तो देखिए मेरे रसगुल्ले क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल, तो योगफल मेरा कितना दे रखा है 12, और गुणनफल दे रखा है 35। कहता इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो भाई 12 एडिशन दिया है, मल्टीपल दिया 35, तो आंसर हो जाएगा 12/35, और ये प्यारा आंसर हो गया सी नंबर, ये प्यारा आंसर हो गया सी नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई वीडियो पूरा देखिए, जब भी आते हैं सेशन में तो वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने लिए लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि दो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल दे रखा है 46/21,
और इनके संख्या का व्युत्क्रम का अंतर दे रखा है 10/21। इसका मतलब है कि अंतर योगफल दे रखा है कितना, एडिशन अपना दे रखा है कितना 46/21 और सब्ट्रैक्शन कितना दे रखा है, सब्ट्रैक्शन कितना दे रखा है कि 10/21। तो अब कहता है कि कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपको ऑप्शन से ही बनाना चाहिए, ऑप्शन से बनाना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए, नीचे में हमको क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो नीचे का जो एलसीएम गुणज होगा वो 21 होना चाहिए। अब देखो यहाँ 21 है और यहाँ भी 21 है, ठीक है, और यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, इसका भी एलसीएम 21 हो जाएगा। ये 6 है और ये 4 है, 6 और 4 का एलसीएम कभी भी 21 नहीं होगा, और 29 और नीचे में 1 है, 3 29 और 1 का एलसीएम कभी भी नहीं होगा, यानी ए और बी तो नहीं होगा। अब इसको देख लो, अगर बेस समान है, अगर बेस समान है तो ऊपर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। अगर प्लस करेंगे, हाँ अगर प्लस करेंगे, देखो व्युत्क्रमों का योगफल दे रखा है कितना 46/21 और अंतर भी दे रखा है 10/21। तो अब कहता है कि संख्या क्या है, आइए संख्या क्या है, ये तो आपका कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझिए, व्युत्क्रम का जो भी एडिशन निकालना है इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये तो कभी नहीं होगा, आपका आंसर क्या है 8/21, ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि ऊपर देखिए ये उल्टा हो जाएगा, 8/21 ऊपर चल जाएगा, 21/8 हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए, ये 3 ऊपर जाएगा और 4 भी ऊपर जाएगा, नीचे में कितना 6/4 होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए। देख लो चेक करके, अब 3/4 को व्युत्क्रम करेंगे तो 4/3 होगा, और प्लस 7/6 है इसका कितना हो जाएगा 6/7, एलसीएम हो जाएगा 21। अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखो सत्या 21 सात चौके 28, प्लस माइनस कर देना यहीं पर, और सत्या 21/17। अब देखो प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 46/21 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 10/21 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जब भी आपको व्युत्क्रमों का योगफल और व्युत्क्रमों के अंतर दिया है, और वैसे क्वेश्चंस को हमेशा ऑप्शन से बनाना चाहिए, हमेशा कैसे बनाओगे, ऑप्शन से बनाओगे, तो चीजें आपको समझ में आ गई। नहीं समझे ना, फिर से एक बार देखिए, देखिए संख्या का व्युत्क्रम का योगफल दिया है और अंतर दे दिया है, तो कहता है हमको संख्या क्या है। अगर मान लीजिए ये संख्या है, इसको संख्या है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 29/3। तो अब बताओ कि नीचे में कभी भी 21 होगा, ये नहीं होगा। अब दूसरा करोगे क्या, 21/8 उल्टा करना है जरूर अपना, है ना। शेयर कीजिएगा अपने थॉट को, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।